रीवा के कन्या महाविद्यालय में एडमिशन सीट को बढ़ाने को लेकर छात्राओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर घेराव करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्राओं ने जमकर नारेबाजी भी की। सरकार के द्वारा सभी छात्रों के उच्च शिक्षा के लिए बेहतर नीति और नियम की बातें की जाती हैं, लेकिन धरातल में यह बातें गायब हैं। यही कारण है कि रीवा के कन्या महाविद्यालय में प्रवेश को लेकर यह छात्राएं दर दर भटक रही हैं। छात्राओं का कहना है कि प्रशासन के द्वारा लगातार सीट बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन प्रवेश के समय सीटें नहीं बढ़ाई जा रही। जीडी कॉलेज की छात्राओं ने प्रवेश सीट को कॉलेज में बढ़ाने को लेकर आज दिनांक को कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए कलेक्टर के नाम पर सौंपते हुए कहा कि विगत वर्ष हायर सेकेंडरी कक्षाओं का परिणाम प्रतिशत रहा। महाविद्यालय के पर्याप्त सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं, इसलिए सीएलसी राउंड भी सभी सीटें भर गई। बहुत से विद्यार्थी प्रवेश लेने से वंचित रह गए। विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु भटकना पड़ रहा है एवं उन्हें प्रवेश हेतु सीटों की जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। मेरा नाम दो है, मैं जीडीसी कॉलेज में प्रवेश करना चाहती हूँ और यहाँ ये हो रहा है क्योंकि यहाँ की सीटें बोल रहे हैं सर लोग की भर गई है, लेकिन यहाँ की सीटें नहीं भरी हैं, प्राइवेटों की सीटें खाली हैं। तो कह रहे हैं कि जाओ वहाँ से अपना एडमिशन लो और वहाँ पढ़ो ताकि उन लोगों का फायदा हो और हम लोगों की मांगे पूरी ना हो। हम लोग ये चाहते हैं सभी छात्र छात्राओं को जहाँ जहाँ एडमिशन जिसको जो लेना है उसे वहाँ उनका एडमिशन दिया जाए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। हमें हम लोग तो अपने से पढ़े नहीं है, कॉलेज ने सरकार ने हमें पास करा दिया, जितने भी परसेंटेज हैं सभी को उतना पास करा जाए और हमें भी एडमिशन दिला जाए, जितनी भी सीटें हमारी मांगे पूरी करो। अभी आप लोग कलेक्ट्रेट का घेराव क्यों किए? यहाँ पर सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, पिछले एक महीने से ये लोग परेशान हैं, किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है, किसी का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। चूंकि पिछले वर्ष 12वीं क्लास का रिजल्ट 100% रहा है, इस वजह से इस बार की जो सीटें हैं वो पर्याप्त नहीं है। हमारी ये मांग है कि सभी कॉलेजों की सीटें बढ़ाई जाएं, जिससे सभी छात्र छात्राएं प्रवेश पा सकें। और यहाँ पर हम लोग आए थे तो मैडम आई हुई थी, तो बोली हमको आवेदन दे दीजिए, हमने कलेक्टर साहब के नाम आवेदन लिखा है। उन्होंने कहा हम कलेक्टर तक पहुँचा देंगे। हमने कहा नहीं, हमें कलेक्टर साहब को मिलकर ही ये आवेदन देना है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब नहीं आएंगे, जब तक खड़े रहना हो खड़े रहो। मैं कहता हूँ ये छात्राएँ हैं सब, बीडीसी वाली सबकी बहन बेटियाँ हैं, ये यहाँ पर आके धूप में खड़ी हुई हैं। पिछली दफा जब आर्मी वाले लड़कों का जब यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था तो उग्र प्रदर्शन हो गया था, हिंसा हो गई थी, गेट तोड़ के अंदर घुस गए थे, तब कलेक्टर साहब यहाँ पे आके सबका आवेदन लिए थे, बड़ी सज्जनता के साथ आवेदन लिया गया था। इन लोगों की आवाज़ कौन सुनेगा? इन लोगों की आवाज़ को दरकिनार किया जा रहा है, कह रहे हैं कलेक्टर साहब आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे कलेक्टर साहब? क्या ये लड़कियाँ इस वजह से कलेक्टर साहब नहीं आएंगे? कलेक्टर साहब को आके यहाँ पे आवेदन लेना चाहिए, उन सबको आश्वस्त करना चाहिए कॉलेज की सीटें बढ़ाई जाएंगी। हम लोग